साथियों, मैं स्पोर्ट्स के साथियों को अक्सर कहता हूं, सक्सेस स्टार्ट्स विथ एक्शन, यानी आपने जिस क्षण शुरुआत कर दी उसी क्षण सफलता की शुरुआत भी हो गई। आपको लड़ना पड़ सकता है, जूझना पड़ सकता है, आप लड़खड़ा सकते हैं, गिर सकते हैं, लेकिन अगर आपने दौड़ने का जज्बा नहीं छोड़ा है, आप चलते जा रहे हैं, तो ये मान करके चलिए कि जीत खुद, एक एक कदम आपकी ओर बढ़ रही है। आजादी के अमृत काल में देश ने इसी हौसले के साथ नए भारत के निर्माण की शुरुआत की है। एक समय था जब दुनिया ओलंपिक जैसे वैश्विक खेल महाकुंभ के लिए दीवानी होती थी, लेकिन हमारे यहां वो खेल बरसों तक सिर्फ जनरल नॉलेज के विषय के तौर पर ही समेट दिए गए थे। लेकिन अब मिजाज बदला है, मूड नया है, माहौल नया है। 2014 से फर्स्ट एंड बेस्ट का जो सिलसिला देश में शुरू हुआ है, हमारे युवाओं ने वो जलवा खेलों में भी बरकरार रखा है। आप देखिए, 8 साल पहले तक भारत के खिलाड़ी 100 से भी कम इंटरनेशनल इवेंट्स में हिस्सा लेते थे, अब भारत के खिलाड़ी 300 से भी ज्यादा इंटरनेशनल इवेंट्स में शामिल होते हैं। 8 साल पहले भारत के खिलाड़ी 20-25 खेलों को खेलने के जाते थे, अब भारत के खिलाड़ी करीब 40 अलग अलग खेलों में हिस्सा लेने जाते हैं। आज भारत के मेडल की संख्या भी बढ़ रही है और भारत की दमक भी बढ़ रही है। कोरोना के कठिन समय में भी देश ने अपने खिलाड़ियों का मनोबल कम नहीं होने दिया। हमने हमारे युवाओं को हर जरूरी संसाधन दिए, ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजा, हमने स्पोर्ट्स स्पिरिट के साथ स्पोर्ट्स के लिए काम किया। टॉप जैसी योजनाओं के जरिए वर्षों तक मिशन मोड में तैयारी की। आज बड़े बड़े खिलाड़ियों की सफलता से लेकर नए खिलाड़ियों के भविष्य निर्माण तक टॉप्स एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। आज हमारे युवा हर खेल में नए रिकॉर्ड बना रहे हैं और अपने ही रिकॉर्ड ब्रेक भी करते चले जा रहे हैं। टोक्यो में इस बार भारत ने ओलंपिक्स का अपना सबसे शानदार प्रदर्शन किया। टोक्यो ओलंपिक्स में पहली बार युवाओं ने इतने मेडल्स देश के नाम किए। उसके बाद थॉमस कप में हमने हमारी बैडमिंटन टीम की जीत का जश्न मनाया। युगांडा में पैरा बैडमिंटन टीम ने भी 47 मेडल जीतकर देश की शान बढ़ाई। इस सफलता का सबसे ताकतवर पक्ष यह है कि इसमें हमारी बेटियां भी बराबरी से भागीदार है। हमारी बेटियां आज सबसे आगे तिरंगे की शान बढ़ा रही है।